हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज हमारा है लेक्चर 3 मैट्रिक्स की सीरीज़ में। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डेफिनेशंस वगैरह क्या है मैट्रिक्स की, कुछ रह गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चंस के दौरान सामने आएंगी तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखने के लिए दो कंडीशंस आती हैं, पहली है उसका ऑर्डर और दूसरा है उसकी एलिमेंट्स, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट्स की जब अपन इक्वालिटी चेक करते हैं तो इसमें आप गौर करिए कि सबसे पहले उन मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट होगा तो उनके इक्वल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो सबसे पहली कंडीशन है ऑर्डर। जब किसी दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होगा यानी उसकी डायमेंशन सेम होंगी, तब हम सेकेंड जो हमारी कंडीशन है उस पर जाएंगे यानी उसके एलिमेंट्स पे जाएंगे। और जब उसके एलिमेंट्स सेम होंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि वो दो मैट्रिसेस अपने आप में इक्वल हो सकती हैं या नहीं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए मैट्रिक्स आपके सामने है 1, 2, 3 एंड 4। मैट्रिक्स बी आपके सामने है 1, 2, -1, -1, ठीक है। इसमें आप चेक करिए कि जो आपके ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का दैट इज़ इक्वल, दैट इज़ 2 बाई 2, 2 बाई 2। तो मैट्रिस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज सेम, इट मीन्स डायमेंशन इज सेम, यानी फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो अब सेकेंड कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमें देखना है एलिमेंट्स को। तो आप एलिमेंट्स चेक करिए कि दो एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन बाकी के दो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस वजह से ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये इक्वल कब होता? जब दोनों a21 एंड a22 विल बी 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, तो ही ए इज इक्वल टू बी आ जाता, ठीक है। ये इक्वालिटी का केस हुआ। अब यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे ऑपरेशंस जो भी हम करेंगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें डिटर्मिनेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का आप फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है अपना, ठीक है। उसमें आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट इज़ वेरी इजी, जस्ट टेक ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और उस पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी 1 इंटू 1 इज़ -1, माइनस ऑफ 2 इंटू -1 इज़ -2, ठीक है। यानी लेफ्ट से शुरू करके सेकेंड वाले को, मतलब आपको प्रिंसिपल डायगनल को बेसिकली पहले लेना है। मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगनल मैंने आपको बताया था डायगनल मैट्रिक्स के अंदर, मॉड ए इज इक्वल टू +1 आ गया। उसी तरीके से आप 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिए। आपके पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। आपके पास इसमें टू ऑप्शन हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको। मान लीजिए 3x3 का आपका जैसे मैट्रिक्स अपन ने लिया, ठीक है, तो इसमें आप या तो रो साइड से निकाल सकते हैं या फिर आप कॉलम साइड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप रो के थ्रू अपना प्रेफर कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो इसमें आपने 1 लिख लिया। जैसे आप 1 लिखेंगे तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचनी है 1 के साथ इंटरसेक्टिंग करती हुई, तो आपकी 2x2 का एक मैट्रिक्स बच जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि 1 -2, 3 -2 है। इसको आपको सॉल्व करके ब्रैकेट में लिख लेना है, जैसे अपने हमने ऊपर अभी 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व किया, ठीक है। उसी तरीके से आपको 2 के साथ करना है और 3 के साथ करना है। तो 2 के साथ लगेगा माइनस साइन। देख माइनस क्यों आया? माइनस आया उसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है। उसकी पोजीशन ऑड है या इवन है? ऑड और इवन पोजीशन चेक करेंगे हम आई और जे के सम से। यानी जो 1 का पोजीशन था वो था a11, 2 का पोजीशन है a12 और 3 का पोजीशन है a13, ठीक है। तो देखिए 2 + 1 इज़ 3, तो दैट इज़ ऑड नंबर, इसलिए 2 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। और जो आपका a11 और a13 है दीज आर इवन पोजिशंस, ठीक है, तो इस वजह से इनके साथ पॉजिटिव साइन है। तो हमको ये सॉल्व करना है। तो जब 2 के साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो आपके लिए मैट्रिक्स बचेगी 1 -2, 2 -2। इसको आप सॉल्व करके ब्रैकेट में लिख लेंगे। -2 -(-4) बचेगा, प्लस उसके बाद आप लिखिए 3, और 3 के साथ भी आप सेम करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स बच जाएगी 1 -1, 2 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 -(-2) सॉरी, ठीक है। इसके आगे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 2+6 -(2, -2) + 4+3 × 3+2, ठीक है। तो नेट रिजल्ट आएगा आपका 8 - 2 × 2 + 2 = 4, 4 + 3 × 5, दैट इज़ 15। तो 8 - 4 = -4, ठीक है, -4 + 15, दैट इज़ इक्वल टू +11। तो मॉड ए इस केस में आपका हो गया +11, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आया
दैट विल बी इक्वल टू प्लस 11, मॉड ए इज इक्वल टू प्लस 11 आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स है आपकी, वो मैट्रिक्स होती है जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, मॉड ए विल बी इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर उसका वो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है देन दैट मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। छोटा सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब आगे अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। तो कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है उसके डायमेंशन यानी उसका ऑर्डर, और सेकंड कंडीशन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक बात यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स की अगर अपन इक्वालिटी चेक कर रहे हैं तो पहले एडिशन चेक कर रहे हैं ना, एडिशन देख रहे हैं, तो ए इज 1, 2, 3 and 4 और एक आपका बी मैट्रिक्स है दैट इज 1, 2, 3, 2, 1, 3, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ऑर्डर डिफरेंट है, तो जब ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा तो ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से इसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो जब कंपैरिजन ही नहीं है तो दो डिफरेंट चीज़ें हो गई तो उनको ऐड नहीं कर सकते। तो दो सेम काइंड ऑफ मैट्रिक्स को ही आप अपने आप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी जब सेम ऑर्डर के हो जाएंगे यानी दीज विल बी सेम काइंड ऑफ मैट्रिसेस, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी ए जब एडिशन हम करते हैं तो एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है अब दो मैट्रिसेस के, लेकिन जब ऑर्डर डिफरेंट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो स्वाभाविक सी बात है कि उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर डिफरेंट होगा तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ज्वाइन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको अगर अपने को ऐड करना है तो ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम कर दिया है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 का 1 के साथ एडिशन होगा, 2 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ एडिशन होगा एज शोन इन दी वीडियो, ठीक है। तो सी जो आपका निकल के आएगा नेट दैट विल बी 2, 4, 5 and 5, ठीक है। ये आपका नेट एडिशन जो है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। सेम है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैट्रिसेस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग करते हैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे और आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि शो दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड और एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द अदर इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो मैट्रिसेस में जो कि वन सिमेट्रिक और दूसरी एंटी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए कि दैट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं दीज आर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई किसी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। क्यों? रीज़न बीइंग इज कि आप इसमें ट्रांसपोज वगैरह लेते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के केस में, ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स। ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो अब जब आप ट्रांसपोज लेंगे किसी मैट्रिक्स का और उसका रो और कॉलम डिफरेंट है तो जब वो ट्रांसपोज होगा तो दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट मैट्रिक्स, ठीक है, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट मैट्रिक्स। इस वजह से उसका स्क्वायर होना कंपलसरी है। चलिए आगे बढ़ते। अब आप ये सोचिए कि अपने को ये सॉल्व करना है और सबको सॉल्व करना आता नहीं, तो अब ऐसा क्या सोचें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मान लो मैं नहीं जानता, जैसे मुझे पता है इसका सॉल्यूशन तो मैं कर सकता हूँ,
लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मैं इसको किस तरीके से अप्रोच करूँ क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन मुझसे हो जाए। तो देखिए, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आपको रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में, ठीक है। तो सिमेट्रिक में आपको पता होगा कि अपन ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो कंडीशन बनती है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और उसी तरीके से एंटी सिमेट्रिक जो है आपका, उसमें आपकी कंडीशन बनती है ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज की, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व और चेक करते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक का हो गया कंडीशन, और एंटी सिमेट्रिक का इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो हम ए मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन किसी भी एक इस मैट्रिक्स को। अब हमें चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज की सिमेट्रिसिटी और एंटी सिमेट्रिसिटी। ये हमें एक बार चेक करनी है कि आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज है आपके पास, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज में आप इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है। यानी आप ए को और ए ट्रांसपोज को जोड़िए, कोई भी दो मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हैं उसका ट्रांसपोज लीजिए, या पहले दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ले लीजिए फिर जोड़ दीजिए, इट विल बी इक्वल, इक्वल है लॉजिकली, इट इज़ इक्वल। तो आंसर आ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस ए, यानी जो मैट्रिक्स थी ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका रिजल्ट भी ट्रांसपोज लेने के बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब आप आगे देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप समझ गए होंगे कि ये जब ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इन दोनों का अगर अपन ट्रांसपोज अलग अलग भी लेंगे तो ऐड करने के बाद कोई अंतर पड़ेगा नहीं, इट इज़ लॉजिकली वैलिड, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये सिमेट्रिक बन गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, ठीक है। जो हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है ए को, उसका ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास दूसरा जो पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ए का बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का बन जाएगा ए, तो आंसर विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो देखिए, ये अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब दैट विल बी एंटी सिमेट्रिक। इट इज़ वेरी 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 लॉजिकली क्लियर कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स अपने नेगेटिव के साथ आ रही है। अगर ठीक है, अपना ट्रांसपोज नेगेटिव के साथ आ रहा है मैट्रिक्स के, देन इट इज़ एंटी सिमेट्रिक। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट कि ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ प्लस 1 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज इट्स सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड। तो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक आपका हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने घर में प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, मुझे बताइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगली जो क्लास है उसमें हम आगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले लेक्चर सीरीज़ के बारे में। थैंक यू।